देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से शुरू है। ऐसे में बात करें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की, तो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मुंबई से सटे ठाणे जिले में बसपा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां बीएसपी की महाराष्ट्र प्रभारी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान महाराष्ट्र प्रभारी कल्पना कीर्तिकर ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2014 का लोकसभा चुनाव हमने बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। दयानंद कीर्तिकर ने कल्याण लोकसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बसपा प्रभारी कल्पना कीर्तिकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बसपा ने महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ने और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हम इस बार किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि इन तमाम सीटों के बीच में अगर बात करें तो ठाणे, कल्याण और भिवंडी लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। ये आदेश के मुताबिक हम लोग गठबंधन नहीं करने वाले हैं। सीटों पे हम लोग स्वयं घोषित उम्मीदवारी होगा और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उसके ऊपर उम्मीदवार देने वाले हैं। सुनो, अभी जनता के हित में हम लोग कार्य करना चाहते हैं। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो बहुजन दलित पिछड़े वर्गों के लिए ही काम करती है, घर भर महापुरुषों के विचारधारा लेके काम करती है। तो हमें सत्ता में हम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहेब का कहना था कि जब तक तुम सत्ते में नहीं जा सकते तब तक आप जो जन सामान्य नागरिक जो है उनको अपना उनका जो मूलभूत अधिकार है, जो आरोग्य है और शिक्षण है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे सकते। आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो सत्ताधारी पार्टी ने अभी तक इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया है, और सत्ताधारी पार्टी जो है वो विषमतावादी है, जातीयवादी है। इसीलिए हम लोग इसको चुनौती देते हैं कि यहाँ का जो उम्मीदवार होगा वो अच्छा होगा, प्रामाणिक होगा और बड़े ताकत से लड़ेगा, ऐसा उम्मीदवार हम कल्याण लोकसभा में देना चाहते हैं और जनता के हित में काम करना चाहते हैं।